नमस्कार साथियों, साथी इस समय आप अपनी स्क्रीन पर अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन का आमंत्रण की एक प्रेस विज्ञप्ति देख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो प्रेस विज्ञप्ति है, कार्यालय प्राचार्य सीएमराज विद्यालय परसवाड़ा जिला बालाघाट से जारी की गई है। इसमें यदि हम देखें सीएमराज विद्यालय परसवाड़ा में सत्र 24-25 हेतु अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। इस हेतु विषयवार पैनल बनाया जाना है। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन दिनांक 15-6 से 28-6-24 तक समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यालयीन समय में जमा किए जा सकते हैं। पदों का विवरण एवं योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है। यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे, ये जो आवेदन बुलाए गए हैं विद्यालय में शैक्षिक सत्र 24-25 हेतु अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने को लेकर जो पैनल बनाया जाएगा उसके लिए ये आवेदन मंगाए जा रहे हैं। इन आवेदनों के आधार पर अतिथि शिक्षकों का एक पैनल तैयार किया जाएगा और पात्र जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें विद्यालय पर रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। आप देखेंगे इसमें अतिथि शिक्षक वर्ग एक, वर्ग दो और विज्ञान सहायक की जगह प्रदर्शित हैं। एक एक जगह आप यहाँ पर वैसे हिंदी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, कृषि, वाणिज्य, संस्कृत, अंग्रेजी, पीटीआई और विज्ञान, विज्ञान सहायक शिक्षक के लिए विज्ञान, जो कि जिसकी की 3 रिक्तियां हैं। इसमें केवल 12वीं उत्तीर्ण गणित जीव विज्ञान से होना अनिवार्य है। संबंधित जो वर्ग एक के अतिथि शिक्षक हैं इन्हें व्यावसायिक योग्यता में बीएड, संबंधित यदि हिंदी से हैं तो स्नातकोत्तर, जिस भी विषय से आप डालेंगे उससे आपका स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है। चयन की शर्तें निम्नानुसार होंगी। उपरोक्त पैनल सत्र 24-25 के लिए बनाई जा रही है, यानी कि पहले ये पैनल तैयार किया जा रहा है। जब डीपीआई निर्देश जारी कर देगा तो उसके बाद में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति तय प्रावधान जो भी निर्देश डीपीआई जारी करेगा उनके आधार पर की जाएगी। पूर्व वर्ष में अध्यापन का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि यदि आपने पूर्व में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसे आप आवेदन के साथ में लगाएं। संस्था में पूर्व से अध्ययनरत अतिथि शिक्षकों को आवेदन करना अनिवार्य है, बगैर आवेदन के पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि मान लीजिए जो जिस सीएमआई विद्यालय से विज्ञापन जारी हुआ है, ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, उस विद्यालय पर भी जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उन्हें भी आवेदन देना अनिवार्य होगा, बगैर आवेदन के उन्हें पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि यदि वो आवेदन देंगे तो पैनल में इन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था के पूर्व सत्र के अभ्यर्थियों को कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। संस्था में पूर्व निष्ठा एवं समर्पित भाव से समयबद्धता के साथ उपस्थित होकर अध्यापन करना अनिवार्य हो। अभ्यर्थियों का आचरण एवं व्यवहार संस्था के प्रतिकूल पाए जाने पर चयन निरस्त किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को संक्षिप्त साक्षात्कार के उपरांत ही पैनल में शामिल किया जाएगा। नियमित शिक्षक से पदपूर्ति होने पर उस विषय के अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अंग्रेजी माध्यम वालों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इस तरीके से यदि हम देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति सीएमराज विद्यालय परसवाड़ा जिला बालाघाट से जारी हुई है। यहाँ अतिथि शिक्षकों का ये प्रश्न हो सकता है कि अभी डीपीआई ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर किसी भी प्रकार के निर्देश नहीं दिए हैं, तो ऐसे में ये आवेदन कैसे मंगाए जा रहे हैं। तो इसमें ही स्पष्ट किया गया है कि जो आवेदन है विद्यालय पर, चूंकि पद रिक्त हैं और अभी वर्तमान में यदि हम देखें तो किसी भी तरीके से यहाँ शिक्षकों के आने की संभावना नहीं है। हालांकि उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वह जारी है, लेकिन जब तक पद नहीं भर जाते तब तक अतिथि शिक्षकों के यहाँ पर पैनल का निर्माण किया जा रहा है। जैसे ही डीपीआई निर्देश जारी करेगा उस पैनल में से संबंधित अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।